बैतूल में चलती ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला बाल बाल बच गई। जानकारी के अनुसार चलती ट्रेन में सवार एक महिला यात्री का पैर फिसल गया। वहीं वह महिला चलती ट्रेन की चपेट में आने ही वाली थी कि इस बीच आरपीएफ के दो जवानों ने उस महिला को बचा लिया। ये मामला स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। दरअसल ये महिला पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थी, तभी ट्रेन के रुकने पर महिला पानी लेने ट्रेन से उतरी थी। इसी बीच ट्रेन चलने लगी। वहीं महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पैर फिसल गया। ये देख ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के दो आरक्षक ने महिला को खींच लिया। एक्चुअली मेरी ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे थी, उसी दौरान कुछ यात्री उतरे और थोड़ी देर बाद ट्रेन चालू हुई, तो एक वृद्ध लेडीज उस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और ट्रेन की थोड़ी स्पीड हो गई, तो उसी समय मैंने देखा और डायरेक्ट उसको दौड़ के पकड़ा। यदि मैं उसको दौड़ के पकड़ा नहीं पकड़ता तो स्वाभाविक सी बात है वो अंदर धंस जाती और उसकी जान जा सकती थी। श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त तथा सहायक सुरक्षा आयुक्त महोदय द्वारा दो सिविल वर्दी में स्टाफ को अपराध की रोकथाम हेतु तथा महिलाओं पैसेंजर यात्रियों की मदद करने हेतु तैनात किया गया है स्टेशन और क्षेत्र अधिकार में। तो दिनांक 7/6/2022 को जब ट्रेन नंबर 22352 पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर अपने गंतव्य स्टेशन प्रस्थान के लिए खड़ी थी, तो समय करीबन 16:22 बजे जब ट्रेन खुल गई तो एक महिला यात्री जो चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन उसका पैर फंसने और तब हाथ स्लिप होने के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्लिप होकर गिर गई।